हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है ए इज इक्वल्स टू, एंड हमारे पास ये नंबर दे रखा है स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमारे पास 9 लिखा हुआ है 5 बार, एंड ये 7 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर 0 लिखा हुआ है 5 टाइम्स, एंड यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर 9 लिखा हुआ है 6 टाइम्स। हमें इस नंबर का स्टूडेंट्स क्यूब रूट निकालना है। बहुत ही प्यारा नंबर है और बहुत ही बड़ा नंबर है। सबसे पहले आप एक बार इस वाले क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो का सॉल्यूशन देखना अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। और अगर आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई अनदर मेथड है तो प्लीज़ उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी नंबर का एक्सपेंडिंग फॉर्म लिखना आना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं किसी भी नंबर का एक्सपेंडिंग फॉर्म पूछता हूँ तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि 95,401 का अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं। देखिए, 9 कौन से प्लेस पर है, 9 है 10,000 वाले प्लेस पर है, तो 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से, एंड प्लस, एंड 5 कौन से प्लेस पर है, 5 है हमारे 1,000 वाले प्लेस पर, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1,000 से, एंड 4 है 100 वाले प्लेस पर, तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, एंड 0 टेंथ प्लेस पर है, बट 0 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, एंड यहाँ पर हमारे पास 1। तो यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर है 9 × 10^4, ये 1,000 को मैं लिख सकता हूँ 10^4 प्लस 5 × 10^3 प्लस 4 × 10^2 प्लस 1। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, तो अगर मैंने 9 के लिए जब एक्सपेंडिंग फॉर्म लिख रहा हूँ, इस नंबर के एक्सपेंडिंग फॉर्म लिख रहा हूँ, तो मैंने 9 को मल्टीप्लाई किया, 9 के बाद कितनी डिजिट है 4, तो मैंने 10^4 लिखा। एंड अगर मैं 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 5 लिखा, तो 5 के बाद कितनी डिजिट है 3, तो मैंने यहाँ पर 10^3 लिखा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का एक्सपेंडिंग फॉर्म लिखा जाता है। तो देखिए इस नंबर का एक्सपेंडिंग फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सबसे पहले काउंट कीजिए कितनी डिजिट्स लिखी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 डिजिट्स लिखी गई हैं। तो देखिए, तो अगर मैं फर्स्ट डिजिट 9 की बात करता हूँ, तो फर्स्ट डिजिट अगर मैं 9 की बात करता हूँ, तो ये टोटल 18 है, तो इस 9 को अगर मैं हटा दूँ तो टोटली 17 आएंगे, तो हमारे पास आएगा 9 × 10^17। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 × 10^16, फिर 9 × 10^13, पहले इस 9 के लिए 17, इस 9 के लिए 16, इस 9 के लिए यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 15, एंड देन इस 9 के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास, इस 9 के लिए आएगा 9 × 10^14, एंड इस 9 के लिए आएगा हमारे पास 9 × 10^13 प्लस, एंड इस 7 के लिए आएगा हमारे पास 7 × 10^12 प्लस, एंड इन जीरोस के लिए हम नहीं लिखेंगे, एंड इस 2 के लिए आएगा 2 × 10^6 प्लस, एंड इस 9 के लिए आएगा हमारे पास 9 × 10^5 प्लस 9 × 10^4 प्लस 9 × 10^3 प्लस 9 × 10^2 प्लस 9 × 10 प्लस, एंड यहाँ पर आएगा 9 × 1। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस नंबर का एक्सपेंडिंग फॉर्म तो लिख दिया हमने, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल्स टू 9, यहाँ से देखिए इस नंबर को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 9 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 9 को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ आएगा हमारे पास 10^17, यहाँ आएगा हमारे पास 10^16, यहाँ आएगा हमारे पास 10^15, 10^14 एंड 10^13, एंड इन दोनों नंबर्स को मैंने एज इट इज लिख दिया। हमारे पास है 7 × 10^12 प्लस 2 × 10^6 प्लस, एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से 9 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 9 को कॉमन निकालता हूँ, तो हमारे पास आएगा 10^5 प्लस 10^4 प्लस 10^3 प्लस 10^2 प्लस 10 एंड प्लस 1। तो देखिए आगे हमारे पास आएगा यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 9, 10^17 प्लस 10^16 प्लस 10^15 प्लस 10^14 प्लस 10^ यहाँ पर हमारे पास 13। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10^13 प्लस 10^14 प्लस 10^15 प्लस 10^16 प्लस 10^17 प्लस 7 × 10^12 प्लस
टू टाइम्स 10 की पावर 6 प्लस 9 टाइम्स, एंड इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5। एंड देन आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल्स टू, अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखते हैं इस नंबर को, तो ये हमारे पास एक जीपी लिखी हुई है जो कि हमारे पास 10 की पावर 13 से 10 की पावर 17 तक है। 10 की पावर 13 प्लस 10 की पावर 14 प्लस 10 की पावर 16 प्लस सॉरी 15 प्लस 10 की पावर 16 प्लस 10 की पावर 17, तो हमारे पास एक जीपी है। इस जीपी को ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है वो है 10 की पावर 13 एंड आर की वैल्यू है 10 एंड एन की वैल्यू हमारे पास 5 एंड आपको एस एन की वैल्यू पता है वो है ए टाइम्स आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 13 इज मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर एन यानी 10 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1 यानी कि 9। तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 10 की पावर 13 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 9, तो 9 10 की पावर 13 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 9 एंड प्लस इन नंबर्स को मैंने एज इट इज लिखा 7 इंटू 10 की पावर 12 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 9 इंटू, एंड यहाँ पर मैं अगेन जीपी वाला रूल लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है एंड आर की वैल्यू 10 एंड एन की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए यानी कि 1 आर पावर एन माइनस 1 यानी आर मीन्स 2 सॉरी 10 एंड एन एन की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1 एंड डिवाइड बाय आर माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 यानी 9। तो इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, देखिए आगे करते हैं, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया एंड इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आएगा a इज इक्वल्स टू 10 की पावर 13 को 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10 की पावर 18 माइनस 10 की पावर 13 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10 की पावर 13 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 12 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 6 माइनस 1। एंड देन आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से, इस वाले नंबर को यहाँ से यहाँ पर आप मैं यहाँ पर परफेक्ट क्यूब बनाता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं परफेक्ट क्यूब बनाता हूँ। तो परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर 18, तो मैंने 10 की पावर 18 को एज इट इज़ लिखा माइनस, एंड यहाँ पर अगर मैं 10 की पावर 12 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 10 की पावर 12 को कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास आएगा 10 माइनस 7 एंड यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 6 एंड यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर 6 से आएगा 3 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 1। तो देखिए आगे हमारे पास आएगा a इज इक्वल्स टू 10 की पावर 18 माइनस 10 की पावर 12 एंड 10 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 10 की पावर 12 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 1। अब देखिए अब मैं ये नंबर ना एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, सॉरी परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया है, सॉरी ये नंबर कैसा नंबर हो गया परफेक्ट क्यूब। तो देखिए कैसे, अगर मैं ऐसे लिखूं a इज इक्वल्स टू 10 की पावर 18 को मैं लिखूं 10 की पावर 6 एंड ब्रैकेट पावर 3 माइनस 3 इंटू 10 की पावर 12 को लिखूं 10 की पावर 6 ब्रैकेट पावर 2 एंड इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लस 3 इंटू यहाँ पर मैं लिखूं 10 की पावर यहाँ पर 10 की पावर 6 3 इंटू 10 की पावर 6 एंड 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एंड यहाँ पर ये जो माइनस का 1 है, ये जो माइनस का 1 है, इस माइनस 1 को है ना ये हटा देता हूँ मैं पहले यहाँ से, इस माइनस 1 को मैं लिख दूँ 1 की पावर 3। तो देखिए अगर मैं 10 की पावर 6 को a पुट करता हूँ एंड 1 को बी पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा a इज इक्वल्स टू a की पावर 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये बराबर होता है a इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब। एंड अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट लेता हूँ, तो अगर स्टूडेंट्स आप दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी है ना सॉरी क्यूब रूट ऑफ a की जो वैल्यू आएगी
वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी a माइनस बी, एंड a की वैल्यू कितनी है, वो है 10 की पावर 6 माइनस 1। एंड देखिए 10 की पावर 6 माइनस 1 है, एक चीज़ समझते हैं कि अगर यहाँ पर 10 की पावर 2 माइनस 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 ही हो जाएगा 99, एंड अगर 10 की पावर 3 माइनस 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 ही हो जाएगा 999। तो इसी तरीके से 10 की पावर 6 माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर जब पावर 3 था तो 3 बार 9 लिखा है, तो यहाँ पर पावर 6 है तो यहाँ पर 6 बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा वो 9 कितनी बार आ जाएगा, 6 बार। तो ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।